हेलो बच्चों, मैं आरके सर, आरके चिल्ड्रन सिमडेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5.2 ने समाप्त किया। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3 किसका, समांतर श्रेणी का। तो चलिए आप शुरू करते हैं। प्रश्न एक क्या होता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आप याद कर रहे होंगे समांतर श्रेणी का पहला वीडियो में मैं समांतर श्रेणी का योग का दो फॉर्मूला दिया हूँ। यदि आपको याद होगा, यदि आप नोट बना लिए होंगे तो हो सके आप उसको पलट के देखिए। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि योग क्या होता है, कि समांतर श्रेणियों का योग, योग को हम लोग क्या करते हैं, SN कहते हैं। ये दो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। SN बराबर होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into क्या होता है d। ये फॉर्मूला पहला है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। SN बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। उसके बाद इसी का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, SN equal to क्या n by 2 into होता है a plus l। यहाँ l क्या है, लास्ट टर्म। हम बता चुके हैं कि l बराबर क्या है, लास्ट टर्म। इसको हम लोग an बोलते हैं, an बोलो या l बोलो, यही सेम चीज है। तो यही योग, योग के समांतर श्रेणियों का योग, समांतर श्रेणियों का योग की बात करें तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास सामने आया। Sn मतलब n तो जानबे करते हैं, पदों की संख्या। उसके बाद 2a, a आपको, आप a से परिचित हैं, n - 1 * d, d से आप परिचित हैं, तो ये दोनों। लेकिन यहां पर है ना कि लास्ट टर्म रहेगा, अंतिम पद रहेगा, तभी हम लोग l का इस ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि n लास्ट पद ना हो तो हम लोग पहले वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए इसी की मदद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 2712 के 10 पदों तक, तो हम लोग का जो एपी बन रहा है, एपी बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ध्यान रखिए एपी पर विशेषकर गौर करना है। 2712 क्या है आपका, 2712 डैश डैश डैश, ये अंतिम पद नहीं है, यहाँ क्या है 10 पदों तक बोला है। तो यहाँ अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, ए एन या एल दिया हुआ नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, ए बराबर 2, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर डी निकालिए, डी बराबर ए 2 माइनस ए 1, फिर क्या होगा डी बराबर 7 माइनस 2 ए 2 ए 1, 7 में 2 हटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा 5, ये आपका डी मिल गया। अब एन निकालना है, एन बराबर क्या, एन बराबर आपको क्या है 10 पदों तक, तो एन बराबर क्या हो गया 10, तो आपको क्या निकालना है Sn equal to 1। तो क्या करेंगे कि चूंकि क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into क्या होता है d, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का Sn equal to Sn, तो n का वैल्यू क्या है 10 plus 10 यहां लिख देंगे, equal to n by 2 that means 10 by 2, फिर ब्रैकेट, फिर 2 into a, a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2, आपको पता है यहां पे लिख दिए हम लोग 2 प्लस n का वैल्यू हमारे पास कितना है n 10 माइनस 1 इनटू d का वैल्यू हम लोग कितना निकाला है 5, यहां लिख दिए 5। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है। ध्यान रखिए यहां पर 2 एक का 2 2 बचे 10, तो क्या होगा यहां पर s 10 इक्वल टू हो गया आपके पास 5 इनटू, यहां पर 2 दूना 4 प्लस यहां भी घटा दिया 10 में नहीं घटाइएगा तो क्या मिलेगा 9 गुना ये तो इनटू ना 5 ब्रैकेट बंद। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्या करेंगे S10, S10 इक्वल टू आपके पास क्या है 5, तो 5 लिख दीजिएगा यहां पर, फिर ब्रैकेट, फिर 4 प्लस 4 प्लस 5 9 45, 45 डाल दिया, फिर S10 इक्वल टू क्या हो गया 5 इनटू, क्योंकि ब्रैकेट है इसलिए क्या होगा इनटू, अब 45 45 में हम क्या 4 मिलेगा तो क्या होगा 49, तो 49 हो गया 49, तो S10 इक्वल टू आपके पास क्या 5 गुना 50, तो 5 9 कितना हो गया 45, हाथ में 4 5ों के 20 20 4 24, ये 200 क्या हो गया 45, यही आपका क्या है आंसर है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि 2712 से 10 पदों का योग क्या है, उस तरह का यदि एपी, इस तरह का एपी दिए दिया हुआ हो तो 1 2 करके 10 पद तक रहे, तो ये 10 पदों का योग क्या होगा 245 होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्नावली है
इस फार्मूला पर, ये दो फार्मूला पर ज्यादा बेस्ट है, वो निर्भर करेगा क्वेश्चन पर कि हम ये वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला फार्मूला यूज करें। तो पहला नंबर में बना दिया आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उम्मीद करूं ये समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इस पर चलते हैं, दो पर, इसको मैं मिटा देता हूं आपकी सुविधा के लिए, ताकि हम लोग अगला प्रश्न की ओर क्या कर सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप ध्यान रखिएगा, आराम से बनेगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है दो नंबर में क्या करेंगे, एपी क्या दिया माइनस 37 फिर -33 -29 29 आप कितने पदों तक बोला है, 12 पदों तक। तो यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर ना डायरेक्ट ये दूसरा नंबर को आप एपी ही बना दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ से आपका एपी बन गया, एपी बन गया, ये थोड़ा सा ठीक से ना लिखे तो उसको आप और अच्छे से लिख दीजिएगा, क्योंकि साफ सुथरा लिखना भी आपका एग्जाम का एक पार्ट होता है। तो एपी लिख के हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे -37 और क्या है 23। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं ना, साफ सुथरा यदि आप लिखिएगा एग्जाम में तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये मैं लिख दिया ठीक ठाक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एपी हमको मिल गया, इसमें क्या करेंगे, पहला पद निकालेंगे, पहला पद -37 फिर बी निकालेंगे, a2 a1 करते हैं तो क्या मिलेगा a2 -33 माइनस क्या हो गया -37। तो यहाँ का हम लोग क्या करेंगे -33 -- क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या कर देंगे 37 और 37 में 33 यदि हम माइनस कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा 37 में से 33 घटा दीजिएगा, 7 में से 3 घटाइए 4, 3 में से 3 कुछ नहीं, तो आपको क्या मिला 4, लेकिन बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हम लोग इसको घटा देंगे। अब क्या चीज आया कि एम बराबर देखते हैं, एम बराबर हमारे पास कितना 12 पदों तक बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा 12 हो गया। अब क्या SN=1 सेम, तो SN=2 चूंकि क्या जानते हैं हम लोग SN=N/2 इनटू क्या होगा 2a+n-1 इनटू क्या होता है d, यही फार्मूला है। तो फिर SN इनका वैल्यू क्या =12/2 इनटू क्या हो जाएगा 2a, a का वैल्यू आपके पास क्या है -37 फिर प्लस n 12-1 इनटू d का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 4, तो ये 4 हो गया। तो अब इसको हल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 2 6 12 तो s12=2 आपके पास 6, फिर बचा क्या यहाँ पर गुना कर दीजिए माइनस में होगा क्या 2 7 14 के 4 हाथ में 1 2 3 8 और 1 7 74 फिर प्लस आ गया आपके यहाँ पर ना माइनस है तो 12 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 11 गुना क्या मिला आपके पास 4। इसको फिर हल कर दीजिए, बहुत आसान है s12=2 क्या कितने यहाँ पर 6 मतलब सी देंगे, उसके बाद यहाँ पर -74 प्लस है तो प्लस यहाँ पर 11 4 44 हो गया आपके पास। इसको हल कर देना हमको s12=6 यहाँ पर क्या हल कर दीजिएगा, ध्यान दीजिए या तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगा हमारे पास यहाँ पर क्या ये माइनस प्लस माइनस तो 74 में से क्या कर दीजिएगा 44 रस में देख लीजिए 74 घटाओ क्या करेंगे 44 यहाँ 0 यहाँ 7 में से 4 3 क्या हो गया 30, तो क्या करें यहाँ पर इंटू 30। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए आप यहाँ प्लस में होगा या माइनस में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस यहाँ इंटू होगा, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर मैं ठीक से लिख देता हूँ 6 इंटू यहाँ पर बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या 30। तो S12 तो क्या होगा S12 तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि हमको कितना प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 6 18 बराबर -180। तो क्या बोलता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें, तो इसका यदि योग ज्ञात करते हैं कितना पदों का 12 पदों का योग तो क्या प्राप्त होता है -180। यदि आप मैं तो एक सिंपल से सिंपल मैथ में राफ करके मैं बताता हूँ
करता हूं, लेकिन जो बच्चे जानते हैं उतना रफ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट करना। 6 कितना हो गया 18 180, मतलब इसको और इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, 6 कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, मैं इसको मिटा दूं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अगला क्वेश्चन को भी जान सकें। और मैं बार बार बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस करें तब मजा आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसलिए आप ध्यान रखिए, इसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 0.6 1.7 2.8 का 10 कितना पदों तक, 100 पदों तक। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 पदों तक लेते हैं। तो हम लोग का है 0.6, एपी एपी क्या हो गया 0.6 1.7, फिर क्या है 2.8, ये हमारा एपी है। अब कितना पदों तक बोला है, 100 पदों तक, n बराबर 100 निकलेगा। देखिए a बराबर हमारे पास 0.6, d इक्वल टू क्या हो गया a2 - a1, तो हमारा a2 क्या हो गया, यहां देखिए 1.7 - 0.6। पॉइंट रहेगा तो घबराइएगा नहीं, तो मैं बताता हूं एकदम सिंपल वाला, 1.7 में 0.6 घटाइएगा तो क्या होगा, 7 में से 6 घटेगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव 1 का 1, 1.1 1.1 हो गया। ये क्या है d। अब आपको क्या चाहिए, n, n चाहिए, n का वैल्यू कितना है, 100, 100 पदों तक बोला है, तो वही पिछले जैसा sn equal to 1 खत्म। तो पिछला प्रश्न के जैसा है, क्योंकि sn equal to n by 2 into क्या होगा 2a plus n minus 1 into क्या होता है d। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, तो sn मतलब s100 कितना है, s100 n बराबर 100 है, इसलिए s100 इक्वल टू यहां 100/2, फिर इनटू 2 इनटू a का वैल्यू आपके पास क्या है 0.6, प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1 बाय d, d का वैल्यू 1.1, ध्यान रखिए यहां पर n क्या है, n 100, इसलिए हम लोग n का वैल्यू चाहिए, इसलिए 100 इसलिए लिख दिए, यहां काट देंगे 2 × 10 = 0। तो s100 इक्वल टू आपके पास क्या है 50 इनटू, इसको गुणा कर देंगे 6 × 12, दशमलव के बाद एक संख्या यहां पर डाल देंगे, प्लस कैसे 6 × 12 आपको पता ही है, एक पॉइंट यहां लग जाएगा, प्लस 100 में 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको 99 × 1.1। चलिए अगला स्टेप पर हम प्रस्थान करते हैं, बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे हम लोग, यहां पर s10 s100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 × क्या है 1.2, प्लस अब हमारे पास इसको गुणा करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 11 × 9 = 99, 11 × 9 = 99, हाथ में 9, 11 × 9 = 99, और हाथ में कितना है 9, तो 99 108, 100 कितना हो गया 108, 108। आप भी रही बात दशमलव कहां लगाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए एक संख्या के बाद हम लोग यहां पर क्या कर देंगे दशमलव डाल देंगे, तो 108.9 हो गया। तो फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका 50 × क्या होगा, इसको जोड़ देना है, जोड़ देते हैं रफ में क्या होगा 108.9, तो फिर आपके पास क्या है 1.2। मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूं, आसान है, तुरंत हो जाता है, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी जोड़िए या घटाइए दशमलव के नीचे दशमलव, दायां वाला को दायां, बायां वाला का बायां लिख देना है। तो 9 में 2 जोड़ दिए तो क्या होगा 9 × 2 = 11, हाथ में 1, 8 × 1 = 9, और ये क्या हो गया 10, दशमलव के नीचे दशमलव नहीं भूलिएगा, 9 × 2 = 11, हाथ में 1, 8 × 1 हाथ में 1 था, हासिल 1 था 1, 10, 10 के हाथ में 1, हासिल 1 जिसको बोलते हैं 0 0, हासिल 1 था उसको लिख दिए 1, फिर यहां आ गया 1। तो 108 में 108.9 में 1.2 जोड़ दिए तो क्या 110.0 कितना हो गया, या तो डायरेक्ट यहां पर इनपुट कर देते हैं इनटू क्या कर दें 110.1, ये हो गया। अब क्या करना है, डायरेक्ट इसको हम लोग क्या कर दें इनटू कर दें, आप तो जानिएगा, जानते हैं 5 कर देते हैं, अलग जीरो लगा देंगे, 5 × 5 हो गया, 5 × 5 5 × 5 = 0, 5 × 5 = 5, ये शून्य है, 50 में शून्य है ना, यहां जीरो लगा दिए, दशमलव के बाद एक संख्या यहां पर। तो इसको ना आप लोग क्या कर सकते हैं, सुविधा करिए 5 5 0 5, यहां पे ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं
लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 10 जीरो है, इसलिए जीरो तो हम लोग नहीं लिखेंगे। यही इसका क्या हो गया आंसर। कहने का तात्पर्य है कि यदि एपी 0.6 1.7 2.8 के रूप में हो तो इसका 100 पद 1 2 3 करके गिनेंगे कितना तक 100 तक, तो उन पदों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5,505 इसका योगफल आएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या तीसरा नंबर का भी हल निकाल लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा ताकि काम दे। तो चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का चर्चा करें, लेकिन उसके लिए मैं मिटा देता हूं ताकि आप आराम से इसको समझ सकें और अपना क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स को मजबूत कर सकें। बहुत ही सरल भाषा, सरल से सरल भाषा मैं प्रयोग कर रहा हूँ ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं वे बच्चे आराम से समझ सकें। तो ध्यान रखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, उस चौथा नंबर क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एपी बना लेंगे। तो जो एपी हमारा क्या है 1/15 1/12 1/10 1/15 1/12 और क्या है 1/10। ये डॉट 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 चल गया, मतलब ये कहाँ तक जा गया है 45 तक, कहाँ तक यहाँ पर 11 पद तक गया है। तो 11 पद तक गया है तो उसे हमको क्या मतलब नहीं, हम 11 पदों का योग निकालना है। तो a बराबर आपको पता है 1/15 पहला वाला को a बोलते हैं, तो d बराबर क्या हो गया a2 minus a1 तो a2 का वैल्यू क्या है 1/12 minus 1/15। तो आप क्या कहते हैं 12 15 का एलसीएम, इनका जोड़ आप जानते हैं, आप 12 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो जानते हैं 3 से 3 चौके 12 3 5 15 ये तो कटेगा नहीं, एलसीएम तो गुना हो जाता है ना, 3 चौके 12 12 5 60 तो इसका एलसीएम क्या हो गया 60। आपको पता है इस 60 को क्या करते हैं हम लोग, इस 60 को इस 12 से भाग देते हैं तो 12 5 कितना हो गया 60। अब ये 5 को किससे गुणा करते हैं ऊपर वाला से, 5 1 5 माइनस का माइनस, फिर इसी 60 को आप 12 से दिए थे अभी किससे देंगे 15 से, तो क्या होगा 15 चौके 60 तो क्या हो गया आपके पास कितना मिला, इस चार को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 1 4। तो फिर इसको हल कर दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 5 में से 4 घटा दीजिएगा तो क्या 1/7। तो d का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है 1/7। तो d मिल गया तो n निकालते हैं, n बराबर आपके पास कितना है 11 पर बोले 11। तो हम लोग को क्या करना है, जब हमको a d n मिल गया तो क्या निकालना है sn, तो लिखें यहां पर क्योंकि sn=n/2 * क्या हो गया 2a + n-1 * क्या हो जाएगा d। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला को सर यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो sn मतलब क्या s 11 बराबर हो जाएगा 11/2 * क्या होगा 2 * a का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/15 प्लस n का वैल्यू आपके पास कितना है 11 घटा 1 * d कितना ला है 1/7। वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, वैल्यू पुट करने के बाद चलिए आगे की ओर जाते हैं। अगला क्या काम है हमारा, सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, ये तो अभी नहीं काटे हालांकि कटेगा पॉइंट में, इतना भी नहीं काटते हैं, देखते हैं यदि किसी अंक से कट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो s11 = आपके पास क्या हो जाएगा 11/2 * इसको * करते जाएंगे तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, अंश को अंश के साथ हर को हर के साथ गुणा करते हैं तो 2 × 1 क्या हो गया 2/2 कितना हो गया 15 2/15 प्लस आप क्या कीजिए 11 में से 1 घटाए क्या मिलेगा 10 गुना 1/2 क्या हो गया 60 1/60 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो S11 बराबर S11 = 11/2 इसको फिर गुना ब्रैकेट में ही रहने दीजिए अभी 2/15 फिर क्या कीजिएगा देखिए यहां पर प्लस है तो प्लस डालिए आप देखिए ऊपर का ये तो ऊपर वाला हो गया नीचे वाला ये 0 0 क्या हो गया कट जाएगा तो क्या मिला आपके पास ऊपर क्या 1 1 का 1 1/6। अब फिर आपका भिन्न का जोड़ आया तो घबराना नहीं है एकदम आराम से कीजिए एकदम आराम से आपके पास काफी समय रहता है एग्जाम में। तो 15/6 का आप लासा निकालिएगा मतलब एलसीएम 15 का 6 का तो 3 से जाएगा तो 3 5 15 3 × 6 तो नहीं जाने वाला है इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे 3 5 15 15 × 30 तो इसका एलसीएम क्या हो गया 30। अब क्या किए 30 आ गया तो सेम काम पिछला में किए थे वैसे ही यहाँ किए थे ना सेम काम करेंगे इस 30 को 15 से भाग दीजिएगा 30 को 15 से भाग दीजिएगा क्या होगा 15 × 30 30 हो गया ये 2 को किससे गुणा करना ऊपर से
तो दो गुना क्या हो गया है, चार प्लस सेम काम, इस 30 को इस 6 से भाग दीजिएगा, मैं भी 100 भाग रहा हूं, 30 से भाग 30 को भाग दीजिए किस 6 से, तो 6 बचे 30 कितना हो गया, 6 बचे 30 ऐसी की जैसा 6 बचे 30 5 बच गया, तो 5 का क्या करेंगे 5 आ गया, ये वाला काम खत्म। तो अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मिटा देता हूं इसको, तो यहां पर क्या हो जाएगा 11/2 गुना यहां पर 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 बटे क्या है 30, कटने जैसा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, हम लोग क्या करें इसको हल कर दे, नहीं कटेगा तो कोई उपाय नहीं है, 11 9 कितना हो गया 99 बटे ए 3 गुना 6 यह होगा 99 बटे क्या आपको मिल रहा है 99 बटे 6 मिल रहा है, कहीं पर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है, शायद मैं उम्मीद करूं सही है, अब आंसर देख लिया शायद क्या पूरा का पूरा सही है, 99 बटे क्या हो गया 60 आपका कटेगा नहीं, यदि 3 से कटेगा तो आप काट सकते हैं, लेकिन ये किसी को भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो सही है, 3 से कटेगा कोई बात नहीं, यदि काटने का इच्छा होगा तो काट लीजिएगा, लेकिन यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करूं ये प्रश्न चार क्वेश्चन थे चारों समझ में आया होगा, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चों आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, आप देख रहे हैं बोर्ड में मैंने लिखा दिया हूं, आप अपना बुक भी खोल के देख सकते हैं। तो यहां पर क्या बोलता है दूसरा नंबर, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, योगफलों को ज्ञात कीजिए मतलब इसका SN ही निकालना है, लेकिन यहां देखिए वहां यहां अंतिम पद क्या हुआ है दिया हुआ है, उसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या बताया था कि अंतिम पद दिया हुआ ना रहे तो छोटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन वाला SN बराबर n/2 a + l मतलब an। तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैं आरंभ करता हूं पहला नंबर से, पहला नंबर का हल तो क्या आता है, देखिए हमारा जो AP है क्या है, AP जो बन रहा है कैसा बन रहा है ध्यान दीजिए, हमारा AP जो बन रहा है, AP आपका हो रहा है कैसे 7, इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं 7 प्लस 7 हम कर देते हैं इसको 10 गुना 1/2 या तो प्लस में भी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10/2 फिर हो गया 14 और ये लास्ट पद आपका क्या हो रहा है 84, सब प्लस में एपी बन गया, एपी बन गया, तो डायरेक्ट ऐसा इसको ऐसा नहीं लिख के, मैं दोनों तरह से बता रहा हूं, ऐसा नहीं लिख के एपी करके नहीं लिख के, आप जैसा है वैसा, जैसा वैसा क्वेश्चन में कैसे कि जैसा एपी क्या हो जाएगा यहां पर डायरेक्ट 7 + 10 1/2 फिर प्लस 14 प्लस 10 10 10 84 लिख दीजिएगा तो भी सही है, दोनों में दोनों तरह से आप लोग देख लीजिएगा जैसा इच्छा होगा। तो चलिए आप पूछते हैं एपी, एपी में ए पूछते हैं, तो ए बराबर क्या मिला आपके पास, ए बराबर आपके पास 7 पहला पद है ना, फिर डी बराबर क्या होगा a2 - a1, a2 हमारा क्या है 10 × 1/2 घटा a2 है क्या 7, इसको हल कीजिएगा तो क्या बच रहा है, देखिए यहां पर 10 a 2 दहिए 20 20 और 21 तो 21 बटे क्या हो गया 2 - 7/2। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हां 7/2 यहां पर क्या है 7/2 नहीं है सॉरी, यहां पर क्या है केवल 7, तो 7 है तो 7/1 कर देंगे यहां पर, तो इसका क्या करेंगे d बराबर ध्यान दीजिए आप यहां पर 2 और 1 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2, तो 21 से क्या हो गया 21 माइनस तो माइनस 2 से 14, तो 14 में से आप 21 घटाते हैं, 14 में से आप सॉरी 14 में से बोलते हैं 21 में से आप 14 घटाते हैं तो कितना मिलता है 7, 7 मिलेगा ना, ये 7 हो गया, तो 7 का ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब d का वैल्यू आपका क्या है 7 है, ऐसे 14 15 16 17 18 19 20 21 आप चेक कर सकते हैं सब तरफ से, तो ये d मिल गया। अब d मिल गया तो हमको क्या निकालना है m, क्योंकि यहां n दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहां an बोलिए बराबर l, ये कितना दिया हुआ है ये 84, यहां भी लिख दिए हैं क्या 84 दिया हुआ है ना, an बोलिए या l बोलिए सेम है, n को हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट पर, जब इतना मिल गया आपको तो सबसे पहला काम हमको n निकालना है, तभी आप इसे निकाल सकते हैं। अब n बराबर क्या, an बराबर क्या जानते हैं a + n - 1 है ना, तो क्या कीजिएगा n बराबर जो चुकी डाले n बराबर a + n - 1 * क्या d, n का वैल्यू l का वैल्यू दिया है 84 भर दीजिए, बराबर a का वैल्यू यहां से मिल रहा है 7, यहां भी लिख दिया हूं
7 प्लस n का वैल्यू हमारे पास नहीं मालूम, 1 इनटू d का वैल्यू हमको कितना निकाला है, देखिए 7, तो मैंने दिया 7, हल कर लेंगे इसको इधर ले आइए। हम लोग पिछला एक्सरसाइज में पूरा का पूरा पढ़ने इस तरह के मैथमेटिक्स 7 इधर ले आएंगे, -7 इक्वल टू n -1 इनटू क्या हो गया 7। तो यहां पर 84 में आप क्या कीजिएगा, 84 में क्या घटा दें हम लोग 7, तो 14 में से 7 घटेगा क्या मिलेगा 7, यहां पर क्या 77 हो जाएगा ना, तो यहां पर 77 हो गया इक्वल टू n -1 इनटू क्या 7, तो 77 फिर ये इनटू में है ना, इधर आगे क्या होगा डिवाइड में भागा, तो ये 7 हो गया बराबर क्या n -1। तो अब 7 × 7 11 बराबर n -1, तो आप इसको इधर ले आइए 11 + 1 इक्वल टू n, देन n इक्वल टू आपके पास कितना मिल गया 11 × 12, तो n का वैल्यू कितना हो गया 12। अब n का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया, तो आप क्या कीजिए sn निकालिए, आप sn निकालिए मतलब s 12, तो sn बराबर क्या होता है, sn बराबर n / 2 इनटू इनटू a प्लस a, a प्लस क्या l, ये मैं बताया हूं ना कि जब यदि अंतिम पद l n या l रहे तो हम लोग शॉर्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो ये तो sn मतलब s12 यहां पर मिल गया, s12 इक्वल टू 12/2 इनटू a, a का वैल्यू हमारे पास क्या है 7, आप देख रहे हैं 7 प्लस l का वैल्यू हमारे पास क्या निकला है 84, तो लिख लेंगे यहां पर 84, हल कर देंगे तो हल होगा 2 × 2 = 12, तो s12 इक्वल टू क्या हो गया 6 इनटू आपके पास ये 84 में क्या जोड़ दीजिएगा 7, 84 में आप क्या जोड़ दीजिए 7 जोड़ दीजिए, तो 7 × 4 कितना हो गया 11 और 8 × 9 तो 91 हो गया, तो s12 लास्ट आपका 6 × 6 = 6, 6 × 9 क्या हो गया 54, 6 × 9 = 54, 6 × 6 = 54, तो 500 क्या हो गया 46 हो गया, तो इस तरह का आप क्या गणित बना लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब यहां पर कितना कितना पद है, यहां पर 12 पद है, तो ये 12 पदों का योग क्या आ गया 546, यही आपका क्या बनता है आंसर बनता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा कि यदि अंतिम पद रहे तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा आप n निकाल लीजिएगा, n मिल गया, जैसे ही n मिला ये शॉर्ट वाला फार्मूला कि sn = n / 2 * a + l आप क्या कर लीजिए बना लीजिए आपका हल आ जाएगा। तो इसी तरह से चलिए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आसान है बट थोड़ा सा अलग मैथमेटिक्स है, तो अलग तरीके से आपको क्या करना है बनाना है, बट ये कठिन नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका आराम होते जाएगा गणित, क्योंकि गणित को जितना खेलिएगा उसके साथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा गणित उतना ही आसान होते जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना है, गणित में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हल क्या होता है, देखिए जो एपी दिया हुआ है वो कैसे है, हम इस तरह से लिख रहे हैं, एपी दिया हुआ है क्या है 34 + 32 + 30 + ……… कितना है 10, अब इसमें भी हम क्या करेंगे n निकालेंगे, तो a बराबर क्या हो गया 34, फिर d बराबर a2 - a1 आपको मालूम है a2 का वैल्यू 32 - 34, आप क्या कीजिएगा 34 में 32 घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा 2 / 16 - d मिल गया आपको, जब d मिल गया तो आपका क्या काम बचता है d, तो अब क्या दिया हुआ है यहां पर an बराबर l बराबर क्या दिया हुआ है आपको 10, तो ये आपको मिल गया। इस ये मिलने के बाद दूसरा काम आपका क्या रहता है, दूसरा काम है क्या n निकालना, तो चूंकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या होता है आपके पास d, तो an का वैल्यू क्या है 10 दिया हुआ है, आप 10 भाग दीजिए यहां पर, a का वैल्यू आपके पास कितना है यहां से 34, यहां भी दिख रहा है 34, 34 प्लस n माइनस 1 इनटू d, d का वैल्यू क्या निकाला है -2 इनटू -2 लिख दिए हम, अब यहां पर क्या इसको इधर ले आइए, तो 10 - 34 = n - 1 इनटू क्या होगा -2, तो ये आपको बेनिफिट मिल गया। इसके बाद आप क्या करेंगे 34 में से 10 घटा दीजिएगा तो क्या होगा 24, तो माइनस कितना हो गया 24 इक्वल टू क्या करेंगे n माइनस 1 इनटू हो गया -2, अब क्या कीजिए आप इसको ना इधर ले आइए,
तो ये गुणा है कितने लगाया क्या हो जाएगा भाग, तो माइनस 24 बटे क्या हो जाएगा ये दो माइनस 2 इक्वल टू ए माइनस 1 ए माइनस 1 इनटू क्या हो गया सॉरी यहां ऐसे ही रहने दीजिए इसको ए माइनस 1 अब इसको कटेगा माइनस माइनस कर दिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला 12 यहां पर मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं यहां पर 12 है तो क्या हो गया 12 तो n बराबर क्या होगा 12 प्लस 1 क्योंकि माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस तो n बराबर क्या हो गया 13 तो n निकल गया n बराबर 13 तो अब क्या कीजिएगा ध्यान रहे अब हमको तो क्या निकालना है योगफलों को ज्ञात कीजिए बोलता है ना तो Sn इक्वल टू क्या n by 2 into क्या है a plus n ये ना फॉर्मूला है हमारे पास या तो यहाँ पर छोटा छोटा वाला सीन भी ब्रैकेट भी डालिएगा तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ हो गया तो Sn तो n का वैल्यू क्या है 13 बराबर 13 बटे 2 गुना क्या हो जाएगा a a का वैल्यू कहाँ से यहाँ से 34 34 प्लस l का वैल्यू एल का वैल्यू हम लोग किया है 10 तो यहां जोड़ दीजिए 10 हम लोग जोड़ दिए अब क्या करेंगे यहां पर 13 बटे 2 एस 13 बराबर क्या हो गया 13 बटे 2 यहां पर गुना 34 और 10 क्या हो गया 34 और 10 44 हो जाएगा तो ये गुना 44 बटे कुछ नहीं है मतलब क्या है नीचे 1 है कटेगा इससे काट देंगे कितना 2 का 2 2 * 4 2 * 4 तो यहां पर क्या होगा S13 इक्वल टू यहां क्या बच रहा है नीचे तो कुछ नहीं मिला ना तो आपके पास है 13 गुना 22 13 गुना क्या मिला 22 तो S13 13 गुना 22 बराबर यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट 13 गुना 26 13 गुना 26 27 28 200 क्या हो गया 86 तो ये आपका क्या बनता है आंसर तो इस तरह से आप बना लीजिएगा बहुत आसान बस मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं कि इस मैथमेटिक्स में पहले n ज्ञात कीजिए n ज्ञात करने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा और एक चीज बता दूं पिछला मैथमेटिक्स में मैं नहीं काटा हूं यदि आप लास्ट वाला क्वेश्चन एक का जो चौथा क्वेश्चन था उसमें आप काट भी सकते हैं मैंने काटा हूं काटते हुए आंसर लिख दीजिएगा तो भी चलेगा तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मैं बना दिया 2 भी बना दिया चलिए अब क्या करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं ये भी मजेदार क्वेश्चन है एक तरह अलग-अलग का क्वेश्चन करने पर आपको ना अलग-अलग का क्या होते हैं आइडियाज आता है वही आइडियाज आपको आपका पढ़ाई को आगे जाके क्या करता है मजबूत बनाता है तो मैं इसको मिटा दूं मिटाने के बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं दम तुरंत तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपको क्या -5 -8 -11 -230 का क्या योग ज्ञात करना है -5 एपी के फॉर्म में लिखते हैं या तो मैं यहां हर लिख दूं पिछला जैसा जो एपी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा -5 सेम टू सेम मैं छाप दे रहा हूं -8 -11 क्या है +10 -230 ये आपका क्या हो गया एपी मिल गया एपी है तो आपको मालूम है ए इक्वल टू क्या होगा -5 डी बराबर आप क्या होगा ए2 माइनस ए1 ये ए2 आपके पास कितना है -8 -5 तो क्या हो रहा है देखिए यहां पर -8 हो गया -- +5 8 में से प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 घटेगा तो क्या मिलेगा 3 लेकिन -3 बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस से क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे तो चलिए हम लोग फिर जब या डी मिल गया तो क्या एन निकालना है तो एन लास्ट में ये दिया हुआ है क्या ए एन बराबर एल बराबर क्या -230 भी दे दिया अब एन निकालना है आपको मालूम है क्योंकि ए एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस वन इनटू क्या होता है डी होता है तो ए एन का वैल्यू आपको पता है 230 या 230 -230 बराबर ए का वैल्यू कहां से -5 डी -5 आप लिख दिए प्लस एन का वैल्यू नहीं पता निकालना है 1 डी का वैल्यू आपको मालूम है -3 यहां इनटू -3 तो अब आगे करें इसको इधर ले आइएगा तो -230 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5 प्लस क्या हो गया 5 यहां पर
माइनस आई इधर प्लस, 5 इक्वल टू ए माइनस 1 इनटू क्या हो गया यहां पर माइनस क्या हो गया 3। तो ये आपका क्या है प्रश्न है, तो हल है। तो आप क्या करें इसको कर कर हल कर दीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस प्लस माइनस 230 में से 5 हटा दीजिएगा तो क्या होगा 225 किस में माइनस में इक्वल टू आपके पास n माइनस 1 है लिख दीजिए उसको n माइनस 1 इनटू क्या है माइनस 3। अब क्या भी इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 225 बाय क्या होगा माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये कटेगा 2 2 4 4 5 9 3 से पक्का कटेगा, माइनस माइनस काटने से पहले 3 1 3 3 7 21 3 5 15। तो ये n माइनस 1 बराबर क्या मिल रहा है 75। तो इसको ले लीजिए इधर n बराबर 75 प्लस क्या 1 तो n बराबर क्या होगा क्या n बराबर आपको क्या मिल गया 75 ये 76 ये n मिल गया। देखिए n जब आपको मिल गया 76 ये n मिल गया तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे अब क्या हो जाएगा ऐसे तो sm बराबर n by 2 into क्या हो गया सॉरी l स्मॉल वाला मैं डाल दे रहा हूं क्या a प्लस क्या l। तो sn n का वैल्यू क्या 76 इक्वल टू यहां 76 by 2 into a, a का वैल्यू यहां पर देख रहे हैं -5 फिर क्या हो जाएगा -5 प्लस या तो इसको हटा दूं -5 प्लस l l व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l यहां पर देखा है -230 ये हो गया l आपका। तो यहां पर ये छोटा वाला ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा, इसको मझला वाला ब्रैकेट लगाइए या बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए आपकी इच्छा। अब थोड़ा सा बाकी है यहां पर मैथमेटिक्स। तो ये s76 इक्वल टू आपके पास इसको काट दीजिए 2 2 2 6 2 8 16 तो आपका यहां 38 यहां पर देखिए यहां पर क्या करें हम लोग रहने देते हैं -5 देखते हैं यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -200 कितना 30 फिर हल कर दीजिए तो आपके पास कितना मिल रहा है 38 ये 38 तो आपका केस में है प्लस में है। तो देखिए यहां पर क्या होगा अब इनटू कर देते हैं माइनस माइनस प्लस 230 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा 235 लेकिन किस में माइनस है माइनस 200 कितना हो गया 35। तो फिर आप ध्यान दीजिए अब क्या करते हैं कि यहां पर इसको क्या करते हैं गुणा कर रहे हैं तो चलिए रफ में करेंगे 2 3 5 × 38 इसको हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग गुणा करते हैं तो क्या जा रहा है ध्यान दीजिए 8 5 40 7 में 4 8 3 24 24 25 26 27 28 28 4 हाथ में कितना मिला 2 8 2 16 17 18 क्या हो गया 18 हो गया फिर इसे खत्म 3 5 15 के 5 हाथ में 1 3 3 9 और 1 10 हाथ में 1 3 2 6 और 1 क्या हो गया 7 यह आपका हल हो गया। तो चलिए 0 8 5 13 के 3 हाथ में 1 8 9 कितना हो गया 9 7 1 कितना हो 8। तो ये आपका हो जाएगा लेकिन क्या है माइनस में कितना 8 9 3 0 यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसका क्या सॉल्यूशन निकाल लिए इसका तीनों का पहला दूसरा और तीसरा। तो मैं उम्मीद करूं ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 का पहला दूसरा किए तो मैं इसके आगे वाला मैथमेटिक्स अगला वीडियो में दूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा पहला दूसरा इनफ है। तो मैं रोज बोलता हूँ आज फिर बोलता हूँ यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें शेयर करें और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि और मैं अच्छे में अच्छा आप लोग को वीडियो दे सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।